मुरादाबाद पिछले चार दिन से शहर भर में गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है। चारों तरफ वातावरण प्रथम पूज्य गणेश की आराधना से भक्तिमय हो रहा है। गुरुवार को भगवान की विदाई के लिए यात्राएं निकाली गईं। जगह जगह रंग गुलाल उड़ाकर और ढोल नगाड़ों से भगवान की विसर्जन यात्रा निकाली गईं। श्रद्धालुओं ने बप्पा से अगले बरस आने का वायदा लिया। हालांकि कई स्थानों पर पंडालों में अभी भी भजन पूजन का दौर चल रहा है। झांकियों का आकर्षण भक्तों को मंत्रमुग्ध भी कर रहा है। 7 सितंबर को रंगारंग तरीके से शहर में गणेश महोत्सव का आगाज हुआ था। गली गली में पंडाल सजाकर गणेश प्रतिमाओं को स्थापित किया था। गुरुवार दोपहर से ही विसर्जन यात्राएं निकलना शुरू हो गई थी। आशियाना रोड पर रामगंगा के लिए जाने वाले रास्ते पर तो शोभा यात्राओं की लाइन लग गई। बहुत से श्रद्धालु बाइक और कार के माध्यम से गणपति बप्पा को लेकर गए तो कुछ अपनी गोद में लेकर विसर्जन करने गए। अबीर गुलाल की होली के साथ गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना के भजनों पर शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु भगवान को गोद में लेकर आगे बढ़ते गए। बाजार गंज के गजानंद को श्रद्धालुओं ने रामगंगा नदी में विसर्जन किया। श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव कमेटी की ओर से निकाली गई विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य रूप से अनुराग अग्रवाल, अंकुर गोयल, दीपू, आयुष गोयल, लवी, पंडित रविशंकर आदि का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आज पहले सुबह भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना हुई। इस वक्त भगवान श्री गणेश जी का विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। श्री गणेश महोत्सव समिति के तत्वावधान में सभी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और मैं बाकी भी महानगर वासियों से अपील करूंगा कि अधिक संख्या में आकर प्रसाद ग्रहण करें। इसके पश्चात हमारा जो है विशाल शोभा यात्रा पानों को दरीबे से प्रारंभ होकर अमरोहा गेट, टाउनहाल, गुरेट्टी चौराहे होकर जैन मंदिर पर संपन्न होगी। तत्पश्चात डेंटल कॉलेज के पीछे हमने गणेश भगवान के लिए कुंड तैयार कराया हुआ है। जो लोग भी वहाँ प्रतिमा अपनी विसर्जन करना चाहते हैं उनका स्वागत है और वहाँ पर भी प्रसाद की व्यवस्था करी गई है। वहाँ पर भी प्रसाद ग्रहण करके धर्म लाभ कमाएं। पिछले 7 दिनों से 5 दिवसीय कार्यक्रम भगवान गणेश जी की कृपा से बहुत अच्छा निकला। कल इंद्रदेव ने खूब बरसात भी करी लेकिन गणेश भक्त कहीं अपनी जगह से टस मस नहीं हुए। पंडाल पूरा खचाखच भरा रहा बारिश होने के बावजूद। सभी उन गणेश भक्तों का जो बारिश में भीग कर हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, गणेश जी की के दर्शन करे, उसका मैं गणेश महोत्सव समिति की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। सभी महानगर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ।